हेलो। तो अभी तक हम पहुंच चुके हैं इस जगह तक जहाँ पे हमारी काफ़ी चीज़ें कवर हो चुकी हैं और आप काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, बट अभी बहुत कुछ सीखना है आपने। तो अभी अगर हम देखें तो हम अभी सीन में हैं, एक सैम्पल सीन है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको एक स्काई दिख रहा है और ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। अब हमने करना क्या है कि अब हमें सीन में कुछ चाहिए, बिकॉज़ हमने गेम बनानी है, तो गेम बनाने के लिए हमें सीन भी चाहिए होता है। सो अगर मैं सीन के फोल्डर को ओपन करूँ तो यहाँ पे आपको दो सीन्स दिख जाएंगे, एक प्रोटोटाइप वन है और एक सैम्पल सीन है। हमने इनमें से प्रोटोटाइप वन पर क्लिक कर लेना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको सीन में दिखेगा कि ये सीन आपके सामने पॉपअप हो चुका है आपके सीन व्यू में। और अगर हम अब सीन व्यू को देखें तो यहाँ पे माउंटेन्स एंड रोड एंड स्टार्स और मून आ चुका है। तो हमारा सीन थोड़ा सा फैंसी हो चुका है, थोड़ी सी गेम वाली वाइब्स अब आ रही हैं सीन से। बट अभी भी हमारी गेम में बहुत सी कमियां हैं क्योंकि हमारी गेम में प्लेयर नहीं है अभी तक। तो हमने यहाँ पे एक कार डालनी है। सो लेट्स सी कि हम कार को कहाँ पे ढूंढ सकते हैं। अगर आप अपने कोर्स लाइब्रेरी वाले फोल्डर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक फोल्डर दिखेगा जिसका नाम होगा व्हीकल्स। व्हीकल्स सेलेक्ट करने के बाद आप अभी इनको सही तरह से शायद देख नहीं पा रहे होंगे, तो इनका साइज़ अब बड़ा करने के लिए इस बार को यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अब इनका साइज़ इंक्रीज हो चुका है और हम इजीली हर व्हीकल को देख सकते हैं कि हमने कौन सी अपनी गेम के लिए यूज़ करनी है। सो फॉर एग्जांपल मुझे ये ब्लू वाली व्हीकल बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं इसको उठा के अपने सीन में ड्रैग कर लेता हूँ। सिंपली अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सीन में ड्रैग करना है, जस्ट उसके ऊपर आपने लेफ्ट क्लिक होल्ड करके उसको उठा के अपने सीन में ड्रैग कर देना है, या आप उसको अपनी हायरार्की में भी ड्रैग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपको और मज़ीद कन्फ्यूजन्स होंगी, जैसे कि आपको इस व्हीकल के ऊपर तीन एरोज़ नज़र आ रहे हैं, वन ग्रीन कलर का है, एक रेड है, एक ब्लू है। तो ये क्या है? अभी मैं थोड़ी देर में सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, बट उससे पहले जो इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हम सीन को व्यू कैसे करते हैं, उसके लिए क्या कीज़ यूज़ होती हैं। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीन व्यू की कीज़। अगर आप माउस के राइट क्लिक को होल्ड करें और माउस को अप एंड डाउन ड्रैग करें तो आप व्यू ले सकते हैं पूरे सीन का, और अगर आप माउस को राइट एंड लेफ्ट ड्रैग करें तो आप लेफ्ट और राइट मूव कर सकते हैं अपने व्यू को या अपने कैमरा को। तो देखें जब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये आइकन चेंज हो जाता है, यहाँ पर आई का आइकन आ जाता है। इट मीन्स कि हम सीन में अब देख सकते हैं। ओके, फर्स्ट थिंग हो गई कि हम राइट क्लिक से सीन को व्यू कर सकते हैं। जहाँ पे हम माउस को रोटेट करेंगे हमारा सीन वहाँ पे रोटेट करेगा माउस की रोटेशन के साथ। सेकंड थिंग होगी हमारी, हम ऑल्ट प्रेस करेंगे और लेफ्ट क्लिक को होल्ड करेंगे तो देखिए अब कोई और आइकन आ चुका है, और अगर हम माउस को फॉरवर्ड करेंगे तो हमारा कैमरा बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, और अगर हम माउस को बैकवर्ड मूव करेंगे तो हमारा कैमरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। सो ये है हमारी एक और शॉर्टकट। एंड अगर आप अपने मैप में पैनिंग चाहते हैं, आप मैप को पैन करके देखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये की है मिडल माउस बटन को आपने होल्ड करना है, आपको ये हैंड का छोटा सा आइकन दिख जाएगा। देन आपने अपने माउस को अगर फॉरवर्ड ड्रैग करेंगे तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में पैन होना शुरू हो जाएगा, और अगर आप लेफ्ट करेंगे तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में पैन करना शुरू कर देगा, और अगर लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट डायरेक्शन में, और अगर राइट करेंगे तो लेफ्ट। सॉरी, ये ऑपोजिट था, अगर लेफ्ट करेंगे तो राइट और राइट करेंगे तो लेफ्ट। सो ये थी कुछ कीज़, बट सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊंगा जिसमें आप इजीली पूरे सीन के अंदर घूम सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आपको राइट क्लिक होल्ड करनी पड़ेगी और WASD कीज़ से आप मूव कर सकते हैं अपने कैमरा को किसी भी डायरेक्शन में। अगर आप S प्रेस करेंगे तो ये बैकवर्ड जाएगा, A प्रेस करेंगे तो ये लेफ्ट साइड जाएगा, डी प्रेस करेंगे तो राइट जाएगा, और W प्रेस करेंगे तो फॉरवर्ड जाएगा। एंड अगर आपने इसको अप एंड डाउन डायरेक्शन में मूव करवाना है तो Q प्रेस करेंगे तो ये डाउन डायरेक्शन में चला जाएगा, E प्रेस करेंगे तो ये अप डायरेक्शन में आ जाएगा, और आप साथ कैमरा भी रोटेट कर सकते हैं अपने माउस से, जस्ट लाइक अ वीडियो गेम। तो इसका कंट्रोल बहुत ईजी है, आपने जस्ट राइट क्लिक को होल्ड करके रखना है और फॉरवर्ड एंड अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये स्पीड से उस चीज़ की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा।
एंड फॉर एग्जांपल के आप अगर अपने सीन में कहीं पे गुम हो जाते हैं या आपको याद नहीं रहता कि आपकी कार किधर थी, बिकॉज ये इश्यूज़ होते हैं स्टार्टिंग में. फॉर एग्जांपल अभी अब मैं एक पहाड़ की तरफ आ गया, मुझे नहीं पता कि मेरी कार किधर है. अगर मैं कार की तरफ जाऊँगा या हमारा सीन थोड़ा बड़ा होता तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता कार के पास जाते हुए. तो सिंपली आपको करना यह है कि आपने अपने हायरार्की में जाना है और अपनी कार के ऊपर एक बार क्लिक कर लेना है, उसको सेलेक्ट कर लेना है. कार को सेलेक्ट करने के बाद अपने सीन व्यू के ऊपर आपने अपना माउस कर्सर ला के छोड़ देना है और कीबोर्ड से एफ़ की प्रेस कर देनी है. तो जैसे ही आप एफ़ की प्रेस करेंगे तो देखिए हम कार के बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं. सो ये थी आज की थोड़ी सी चीज़ें जो आपने अच्छी तरह से करनी है. इन चीज़ों से यूज़ टू होना है, क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों से यूज़ टू नहीं हो सकेंगे, आप प्रॉपरली इन चीज़ों प्रॉपरली मूव ही नहीं कर पाएंगे पूरे सीन में, तो आपको सीन डिज़ाइन करते हुए बहुत से इश्यूज़ फेस करने पड़ेंगे. तो टास्क ये है आपका नेक्स्ट कि आपने प्रोटोटाइप सीन वन को ओपन करना है. सीन वन को ओपन करने के बाद आपने कोई भी अपनी पसंद की व्हीकल रोड के ऊपर ऐड करनी है. रोड के ऊपर ऐड करने के बाद आपने जो मैंने आपको सारी शॉर्टकट कीज़ बताई हैं, आपने उनको यूज़ करके चेक करना है कि वो कैसे वर्क करती हैं और उसे यूज़ टू होना है. और लास्ट पॉइंट आपका ये होगा कि अगर आप सीन में किसी दूर जगह चले जाते हैं तो आपने वहाँ से हायरार्की से उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एफ की प्रेस करनी है और उसके ऊपर फोकस करना है. सो आज की वीडियो में इतना ही था. मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपनी गेम को और इंटरेस्टिंग बनाएंगे. तो तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखना. अल्लाह हाफिज़.